यहाँ पर ये पेड़ देख रहे हैं ना आप लोग आप गैस लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का यहाँ पर है धोया और कपूर की जोड़ी देखो इतने बुढ़ापे में भी ये हल लगाएंगे हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे मस्त होंगे व्यस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं तो एक बार सभी को मेरा प्रणाम स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में मनुसर घाटी से और मेरे काम मंगोली से मेरी रानी आ रखी है कानपुर से घर तो वो बहुत सारा काम कर रही देखो खेतों में गुडाई निलाई हो रही है दो चार दिन में तो चली जाएगी वो भी हम देवरानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे देवरानी मतलब इसकी मम्मी और मम्मी इधर नहीं है मम्मी है ऊपर अब हम ऊपर जाते हैं अभी अभी यहाँ पे घाम बुट गया है घाम बुट गया है मतलब सूर्य अस्त हो गया है और डांडी कांठों में थोड़ा सा धूप है रात होने को है अब और देखो ये चल नहीं पा रही है और बोल रही है मुझे तई मुझे गुगी थी मैं रख पहाड़ों में ऐसे दादी नानी पता क्या अपने बच्चों को अपने नातियों को ऐसे रखती है गुगी में एक बोल बोल दूधे बत्ती बुजुर्ग लोगों का गाना है नहीं ये जब बच्चे सोते नहीं थे तो गुगुती, बछूती खाली दूधे बत्ती जैसे ही इसने अपनी मम्मी को देखा ना गोदी से उतर गई घुग्गी से चल थोड़ा फिर चल आखिरकार पहुँच गए हम यहाँ पर तक जहाँ पर देवरानी है देवरानी काट रही है घास और देखो कैसे गई वो ऊपर पेड़ पे नीचे से तो न्यार लगा रखा है ऊपर कन के गया तो पता क्या बोल रही बड़ी मुश्किल पे गई वैसे ये चलती रही है ज्यादा पेड़ पे क्या करे मजबूरी मजबूरी में चढ़ना पड़ता है पेड़ों पर घास के लिए और आज के लिए इसने इतना ही घास काट दिया है और ये जो न्यार लगा रखा है ना ये इसको हमारे यहाँ पता क्या बोलते हैं खूम बोलते हैं खेतों का न्यार काटते हैं घास जो रहता है मतलब मंडुआ काटा और जो घास रहता है इसको पेड़ों पे लगाते हैं और बाद में काम आएगा ये थोड़ा थोड़ा करके इस घास को कड़वे बोलते हैं हमारे यहाँ आइए देहरादून में भी होती है तो देहरादून में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको यही वाला पेड़ मैंने देहरादून में देखा तो वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन हमारे घरों में इसको कड़वे बोलते हैं मेरे माई के में नहीं होती है कड़वे मेरे माल के में केवल भीमल भीमल का पेड़ और ये होते हैं ये तिमला ये है तिमला ये वाला जो ये तिरछा तिरछा वो रख है हैं इसको बोलते हैं तिमला काबुन मल लट ए देखो चूचू चूचू ना आवाना ये देखो ये मेरे भी घर रहती नहीं है यार मैं देहरादून जाऊंगी ना तब कैसे रहेगी तब कह दे छोड़ है ना तू कह के लाटे ची बजा दे बजा दे हाँ कख और क्या कर तुम बजा

है तब काली है? ताँ 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 ये जो भी बातें बोलेगी ना ये समझती है कि मैं सच ही बोल रही हूँ कभी कभी खेतों की याद आ जाती है क्योंकि जो काम करा हुआ रहता है उसकी याद तो आ ही जाती है तो कभी कभी शाम को मैं अपने खेतों में आ जाती हूँ और ये हमारे खेत हैं लेकिन यहाँ मतलब ये नीचे ये बाद में मतलब ससुर जी ने जो हमारे बड़े ससुर जी थे उन्होंने यहाँ मजदूरी मतलब मजदूरों को लगा करके ये खेत बनवाए थे तो यहाँ हमारा बहुत सारा घास होता है और ये देखो ये कितने पेड़ हैं घास के कड़वे तिमला सब होता है यहाँ यहाँ पर ये पेड़ देख रहे हैं ना आप लोग आप गैस लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है ये है दालचीनी का जो पत्ते नहीं होते देहरादून में जो प्लानसों में जो बिकते हैं पैसों में तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा पेड़ है हमारा और यहाँ पे और भी छोटे छोटे पेड़ भी हैं वो देखो वो नीचे पे भी वो भी वही है यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं करता है जैसे नीचे से कोई लोग आते हैं या कोई फ़ोन करते हैं कि हमको दालचीनी भेजना तो हम ले जा लेते हैं तो मैंने भी ले जा रखा है घर में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ लेकिन हमारे यहाँ कोई मेरे परिवार में इसको कोई बोलते हैं कि बदबू आती है वैसे मसाले भी इसके अच्छे होते हैं कूट करके ना इसके मसाले भी अच्छे होते हैं और वैसे स्वाद बढ़िया आता है लेकिन खाते नहीं है कोई तो देखो कितना बड़ा पेड़ है तो पहाड़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि मतलब जो प्लांस में नहीं मिलती हैं मतलब दुकानों में मिलेंगी लेकिन यहाँ हमारे घरों में मिलती हैं और जड़ी बूटियाँ भी यहाँ बहुत सारी होती हैं जो कि दवाई का काम करती हैं और जो ये दिख रहा है ना ये इसको बस्या बोलते हैं हमारे पहाड़ों में गढ़वाले में बसिया बोलते हैं मतलब कालू बिन्नू बोलते हैं इसको मतलब काला वाला बिन्ना बोलते हैं तो ये भी दवाई का यूज़ करता है ये पता है क्या जैसे कहीं पे हमारा कट गया ना कुछ भी जगह हाथ पैर कहीं पे भी थोड़ा सा कट गया ना तो इसको मतलब ऐसे मसल करके अब जो इसका पानी होता है ना उसको जैसे यूज़ करते हैं जहाँ पे खून निकल रहा होता है तो खून एकदम से बंद हो जाता है लोगों ने ये घास देखो कैसे पेड़ों पे लगा रखी है और गांव के ऊपर है ऐसी चट्टान तो इसी चट्टान को देख करके डरते हैं हमारे गांव वाले जब भूस्खलन मतलब ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत डर भी लगती है थोड़ा इसी का खतरा रहता है नहीं तो गांव में बहुत ही मज़ा आता है रहने में तिल का तेल जिसको बोलते हैं ये तिल का पौधा है ये देखिए इसको मतलब जैसे ये सूख जाता है ना तो इसको झाड़ करके मतलब कंडी लाते हैं लोग और उसमें झाड़ते हैं इसको तो उसी से तिल निकलते हैं तो यही है तिल वाला पौधा देखो ये है केले पकाने की दवाई हमारे यहाँ जैसे ए, केले आ, काट दिए हमने अपने घर के केले काट दिए तो इसको ले जाते हैं कंडी में और इसको सब ए, एक बार थोड़ा सा सुखा करके और केलों को भी सुखा करके तो केले के अंदर मतलब जैसे अंदर से केले रख दिए और बाहर से ये रख दिया बीच बीच में तो इससे भी केले पकते हैं तो यही दवाई हमारे गढ़वाल में यूज़ होती है हमारे यहाँ कारपेट वो नहीं होता है कार क्या बोलते दो उसको कारपेट नहीं होता है कारपेट में पकते हैं केले तो कोई कोई तो दवाई भी लाते हैं जैसे बाज़ारों में केले पकाने की दवाई मिलती है तो हमारे घरों में नहीं लाते हमारे घरों में इसी को यूज़ करते हैं तो कितनी प्रकार की दवाई है मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई दिखाई एकल के छोसो हो पटांगा पटांगा किसे बना दो ये देखो ये कबाड़ पता नहीं कहाँ कहाँ से ला रही है क्या कुल लड़े? लड़े जल्द बोल क्या कुलड़े जल्दी बोल क्या कुलड़े पता क्या बोलती है फटक से तेरी लड़े आऊँ मैं की इसको अरमोड़ा बोलते हैं तो इसकी पहले हम रेमोड़ी बनाते थे रेमोड़ी मतलब जैसे ये जो कोमल कोमल रहता है ना ये ऊपर ऊपर का ये वाला ये वाला हिस्सा निकालते थे और इसको एक पत्थर में मतलब सारा इकट्ठा करके उसमें नमक मिर्च मिलाना है और उसके खाते रहते थे हम पहले तो इसका यूज भी करते थे हम खट्टा होता है इसका मतलब स्वाद इसका खट्टा होता है देव ने पहले कड़ुए काटे अब भीमल के पेड़ पर पे चढ़ गई ऊपर तो ही ऊपर उसने पता क्या पहले वो कड़ुए के पौधे पेड़ पे थी और वहीं से वो दूसरे पेड़ पे चली गई बोलते हैं गढ़वाले में भ्यू बहुत ही बढ़िया घास होता है इस साल गेहूं की फसल भी अच्छे से हो रखी है और इसको एक बारिश की जरूरत भी है अभी थोड़ा बारिश हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगी गेहूं की फसल दूसरी देवरानी भी आएगी घास के लिए हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि जैसे जो जंगल भी चला गया ना जैसे सासू जी जंगल जा रखे हैं तो बुरी उनको लेने जाती है रास्ते आधे रास्ते या बुआरी जंगल जा रखी है तो सासू जी लेने जाते हैं तो यहाँ पे देवरानी आ रखी है इसको दूसरी देव रानी को ले लेने के लिए ये जेठानी है और वो देवरानी है पर छोटी की शादी पहले हुई थी इसकी शादी बाद में हुई सामने दिख रहा है त्रिशूल कांठा त्रिशूल कांठा बोलते हैं इसको तो सारी जगह की धूप छुप गई है लेकिन अभी भी हिमालय पे थोड़ा सा धूप है इसको बोलते हैं सुली घाम पता नहीं इसका राज हमें भी नहीं है पता लेकिन इसको नाम से पुकारते हैं सुली घाम के नाम से परसा सब होने के समय मतलब कोई एक्सपायर हो गया ना तो उसको यही वाली धूप मिलती तो है तो इसलिए इसको सुली घाम बोलते हैं हमारे घर में मतलब जो जिसकी डिलीवरी हुई रहती है उसको सुली बोलते हैं

शुरू शुरू में मिठाई मिठाई खा रहे हैं अब लो लड्डू लड्डू बच रखे हैं ये पूरे इसमें मिठाई थी ये डब्बा धीरे धीरे सब कुछ खाया जाएगा सपा चट सपा चट धीरे-धीरे सब आ गया ये खा, ये खा रहे देखो ये मिठाई हां चलो खानी सगल परिवार मट्ठी मट्ठी सगल खा सा हो गई ना में रख रखी है मिठाई कितना अच्छा बक्सा है हमारा ये ये मेरे बोई। <laughs> पहाड़ी न, पहाड़ी तिजोरी है ये फिरीज लो मम्मी लो तो दोस्तों आज की वीडियो बन गई है हमारी तो बहुत सारी चीजों का मैंने तुम लोगों को मतलब मतलब बहुत सारी चीजें मैंने तुम लोगों को दिखाई जो जड़ी बूटियाँ घास वगैरह जो घास भी दवाई का काम करती है ये देखो ना कैसे कर रही है अब पला क्या बोल रही मेरे को बनी एता ही गौर चाल अब उसको घर की याद आने लग गई है तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें का जय देव भूमि जय उत्तराखंड